Dear students, welcome in my video lecture of web technology. Dear students, in today's lecture we will study about the next unit, that is HTML. Students, आज हम अपनी third unit HTML के बारे में study करेंगे. HTML जो कि एक markup language है, उसके बारे में study करेंगे. चलिए सबसे पहले देखते हैं HTML है क्या. Introduction HTML का देखते हैं. सबसे पहले HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML की फुल फॉर्म है H for Hyper, T for Text, M for Markup, L for Language. अब ये है Hypertext क्या होता है. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि Hypertext क्या होता है. Hypertext का मतलब होता है कि कोई भी पेज या कोई भी हमारा जो हम Hypertext ये जो HTML लैंग्वेज है वो हम वेब पेज बनाने में डेवलप करने में इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, जब वेब पेज डेवलप करने में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि ऐसा टेक्स्ट जो वेब पेज में कोई भी टेक्स्ट जो दूसरे टेक्स्ट से जुड़ा हुआ हो, उसके संदर्भ में लिखा गया हो या उसके संदर्भ में तैयार किया हो, यानी उस पर क्लिक करके हम दूसरे पेज तक जा सकते हैं, तो उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं. हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है जुड़ा हुआ. ठीक है, टेक्स्ट हाइपर लिंक आपने सुना होगा, वैसे हाइपर टेक्स्ट होता है. ठीक है, टेक्स्ट भी किसी के संदर्भ में जब कोडिट किया जाता है, कोडिंग की जाती है, वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है. अब बात करते हैं मार्कअप की. मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो किसी भी वेबसाइट के फ्रंट पेज को या वेब पेज को या जो उसका होम पेज है या जितने भी वेब पेज हैं उन्हें डेकोरेट करने का काम करती है. जैसे आपने मेकअप का नाम सुना होगा. ठीक है, मेकअप क्यों यूज़ होता है, कि अपने चेहरे की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए. उसी तरीके से जब हम वेब पेज का लुक जो है वो अच्छा करना चाहते हैं कि जो व्यूअर उसे देखें या जो विजिटर उसे विजिट करें उस हमारी वेबसाइट पर, तो उसे लुक अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन प्योरली उसे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे वेब पेज या होम पेज पर मिल जाए, उसके लिए हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. यानी कि वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. तो ये टोटल मिलकर हो जाती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. यानी ऐसा टेक्स्ट जो आपस में लिंक भी हो और डेकोरेट भी करे किसी वेब पेज को, तो उस तरीके की लैंग्वेज हमारी है HTML, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन वेब टू डेवलप वेब पेजेस. वेब पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज यही है जो कि वेब पेजेस डेवलप करने का काम करती है. मोस्टली लोग इसी को वेब पेज डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल और सारी लैंग्वेजेस का भी लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, HTML वाज क्रिएटेड बाय बर्नर्स ली. जो HTML है वो बर्नर्स ली के द्वारा क्रिएट की गई थी, बनाई गई थी. कब? इन लेट 1981, मतलब 1991 के लास्ट में. ठीक है, 1991 के लास्ट में, इन लेट 1991. बट HTML 2.0 वाज द फर्स्ट स्टैंडर्ड HTML स्पेसिफिकेशन. लेकिन जो HTML ये तो जो आया था पहला, इसका वर्जन वो था HTML 1.0, लेकिन उसके बाद जो वर्जन आया HTML 2.0 वो उसका स्टैंडर्ड HTML स्पेसिफिकेशन था पहला, विच वाज पब्लिश्ड इन 1995, जो कि 1995 में पब्लिश किया गया था. ओके, HTML 4.01 वाज ए मेजर वर्जन ऑफ HTML. HTML का 4.01 जो था मेजर वर्जन था HTML का, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन लेट 1999, जो कि 1999 के लास्ट में पब्लिश किया गया था. दो HTML 4.01 वर्जन इज widely used, but currently we are having HTML 5.0 या HTML 5 version. सबसे ज़्यादा यूज जो वर्जन हुआ था वो था 4.01, खूब यूज हुआ गया था. लेकिन करंटली जिस वर्जन पर हम काम करते हैं या जो वर्जन सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है HTML 5 या HTML 5.0, which is an extension of HTML 4.01, जो कि HTML जो वर्जन था 4.01 उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी कि उसका एडवांस्ड वर्जन है ये. एंड दिस वर्जन वाज पब्लिश्ड इन 2012, और ये वर्जन
2012 में पब्लिश किया गया है HTML5 का। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ, या हिस्ट्री कह सकते हैं HTML की। अब बात करते हैं कि वाई टू लर्न HTML, कि हमें HTML सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, क्यों हम HTML सीखें। ठीक है, ओरिजिनली HTML वॉज डेवलप्ड विद द इंटेंट ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट एंड सो ऑन। ओरिजिनली जो HTML क्यों डेवलप की गई थी, उसका जो इंटेंशन था वो क्या था। HTML वॉज डेवलप्ड विद दिस द इंटेंट ऑफ क्या, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर डिफाइन करने के इंटेंशन के लिए HTML को डेवलप किया गया था। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जैसे कि हेडिंग है किसी डॉक्यूमेंट का, किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफिंग कैसे हो रही है उसे हमें मैनेज करना है, उसके लिए लिस्ट अगर है तो लिस्ट को कैसे मैनेज करें, एंड सो ऑन, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट्स थे, स्ट्रक्चर थे, वो डिफाइन करने के लिए बेसिकली HTML का को डेवलप किया गया था। नाउ HTML इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड टू फॉर्मेट वेब पेजेस, लेकिन अब जो HTML है वो वेब पेज फॉर्मेट करने के लिए वाइडली यूज्ड हो रही है, यानी कि मुख्य रूप से वेब पेज डेवलप करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टैग्स अवेलेबल इन HTML लैंग्वेज। और जो वेब पेज कैसे डेवलप किए जाते हैं, जो डिफरेंट टैग्स इस लैंग्वेज में HTML लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं उनके हेल्प से, उनके यूज से। ठीक है, HTML इज ए मस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू बिकम ए ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग इन वेब डेवलपमेंट डोमेन। जो HTML है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, कंपलसरी है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कंपलसरी है, जिन्हें टू बिकम ए ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है उसके लिए HTML लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग इन वेब डेवलपमेंट, स्पेशली उनके लिए जो वेब डेवलपमेंट डोमेन यानी वेब पेजेस का, वेबसाइट का निर्माण कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो HTML सीखना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और कंपलसरी होता है। आई विल लिस्ट डाउन सम ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग HTML। कुछ एडवांटेजेस हैं जो जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि HTML क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन से। सबसे पहला एडवांटेज है क्रिएट वेबसाइट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए HTML सीखने की ज़रूरत होती है। यू कैन क्रिएट ए वेबसाइट और कस्टमाइज एन एग्जिस्टिंग वेब टेम्पलेट्स इफ़ यू नो HTML वेल। अगर आप HTML को अच्छी तरह जानते हैं तब आप एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी को, या जो ऑलरेडी वेबसाइट है उसके टेम्पलेट्स को या उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट वेबसाइट यानी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए HTML सीखना ज़रूरी है। देन वी केम ए वेब डिज़ाइनर, यानी कि एक वेब डिज़ाइनर बनने के लिए, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट ए कैरियर एज ए प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर, अगर आप अपना कैरियर एक प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर के रूप में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो HTML एंड CSS डिज़ाइनिंग इज़ ए मस्ट स्किल। तो HTML सीखना और CSS सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, देन अंडरस्टैंड वेब, यानी वेब के बारे में समझने के लिए HTML सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे, इफ़ यू वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज़ योर वेबसाइट, अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, टू बूस्ट इट्स स्पीड एंड परफॉर्मेंस, जिससे कि उस वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ जाए, इट इज़ गुड टू नो HTML टू यील्ड बेस्ट रिजल्ट्स। तो HTML सीखना बहुत ज़रूरी है कि
ये बहुत ज़रूरी है कि आपको HTML आती हो, किसके लिए, कि आप बेस्ट रिज़ल्ट प्राप्त कर सकें। अगर आपको खुद HTML आती होगी तो आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप बेस्ट आउटपुट या बेस्ट रिज़ल्ट प्राप्त कर सकें। देन नेक्स्ट, लर्न अदर लैंग्वेजेस वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ HTML। अगर आप एक बार HTML के बेसिक्स को पढ़ते हैं या समझते हैं, देन अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, और तो क्या होता है, जो HTML के साथ जो रिलेटेड उससे टेक्नोलॉजी हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट, PHP और एंगुलर आर बीकेम ईजियर टू स्टैंड। और उससे क्या होगा, जो अदर सपोर्टिंग इसके लैंग्वेजेज हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट है, PHP है, एंगुलर है, इस टाइप की जो लैंग्वेज हैं उन्हें सीखना समझना आसान हो जाएगा, यानी कि आर बीकेम ईजियर टू अंडरस्टैंड। उस ठीक है, HTML अगर आप जानते हैं तो इन जो उसके सपोर्टिंग लैंग्वेजेज हैं या उसमें उसकी बेसिक अदर लैंग्वेजेज हैं, रिलेटेड लैंग्वेजेज हैं, टेक्नोलॉजी है रिलेटेड, वो आप समझने में थोड़ी आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे कि HTML को हम क्यों सीखें और HTML का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता ही दिया था कि HTML को तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि ऐसा टेक्स्ट जो आपस में लिंक्ड हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड हो। और मार्कअप का मतलब किसी भी वेब पेज को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो हमारी कहलाती है HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे, कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ HTML, कि HTML की क्या क्या एप्लीकेशन है, किस किस फील्ड में हमारा HTML यूज़ होता है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कल के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।